बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायक में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही आसान मूंग की दाल की टिक्की लेके आया हूँ। ये इतनी खूबसूरत और इतनी टेस्टी होती है कि आप हैरान रह जाएंगे और भूल जाएंगे आलू की टिक्की या किसी भी और टिक्की को। खास बात यह है कि इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। करना आपने क्या है, वीडियो को बस एंड तक आपने देखना है। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे अहम बात कि मूंग की दाल मैंने 1.5 कप अच्छे से धो के फिर भिगो के रखी थी 1 घंटा पहले। याद रखिएगा, जितनी भी दालें या चने हैं इनके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं, तो इनको धोने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और इसमें ढेर सारा पानी ले लेंगे और ढक्कन रख के फ्लेम को ऑन कर देंगे ताकि इसमें जल्द से बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तब आपने इसमें दाल को डाल देना है। ध्यान रखना है दाल का एक दाना भी ज़ाया ना हो, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। आपने इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल करना है, ठीक है, मीडियम फ्लेम के ऊपर। आपने इसको कंप्लीट गला नहीं लेना, वरना आपके स्नैक्स या टिक्कियाँ नहीं बनेंगी। ठीक हो गया, आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देना है ढक्कन रख के, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं और दाल जो है हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक अब बन चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लें जी। चलें अब इसको निकाल देते हैं और पानी जो है उसका ज़ाया कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, एक चॉपर के अंदर इसको डाल देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी गली हुई है, ये देखें, ज़ोर से दबाने से ये दबती, ठीक है। अगर आपके पास ये चॉपर अवेलेबल नहीं है तो जो ब्लेंडर होता है जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। आपने करना बस ये है कि इसका आपने पाउडर सा बना लेना है, पेस्ट सा बना लेना है। अगर आपके पास दोनों मशीनें नहीं तो आप इसको कूट भी सकते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा बॉल लेंगे और उसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे। वही बात, चीज़ों को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह जानने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है बिल्कुल बारीक, आपने इसके ऊपर जो बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं उनको काट के डालना है। ऐसा आपने क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टनेस और स्मूथनेस लाने के लिए, ठीक है। खाली दाल की बनाएंगे तो वो सख्त बन जाएगी। बिल्कुल बड़ी कटे हुए प्याज हैं, एक प्याज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लीजिए। प्याज के बगैर टिक्की का कोई मज़ा नहीं, प्याज की खुशबू टिक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगली चीज़ है हमारे पास हरा धनिया, एक प्याली छोटी भर के, यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून। और अब मैं इसके अंदर लाल मिर्च फ्रेश वाली ऐड कर रहा हूँ। इसके बड़े फ़ायदे हैं, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, दूसरा ये स्नैक्स के अंदर ना एक अलग ही खूबसूरती लेके आती है। तो कोशिश किया करें इसका आप इस्तेमाल करें। चलें जी, अब 1/2 टीस्पून जस्ट इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, क्योंकि पहले भी गई थी मिर्च। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ जीरा ऐड कर देंगे। ये है हमारे पास 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, और ये चीज़ है हमारे पास 1 चुटकी काली मिर्च फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, कॉर्न स्टार्च यानी कि जो कॉर्न फ्लोर होता है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 कप। इसमें आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन बेसन की एक अलग खुशबू और फ्लेवर होता है। लेकिन ये जो कॉर्न फ्लोर होता है इसकी कोई खुशबू नहीं होती, इसका कोई फ्लेवर या टेस्ट अलग से नहीं होता। तो आपके जो स्नैक्स होते हैं उनका जो असल मज़ा होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बेसन इसमें एक अच्छा टेस्ट नहीं लाएगा, लेकिन बेसन अपनी एक महक सी छोड़ देता है जो अच्छी नहीं लगती। अब ये देखें, आपने पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, मिक्स कर लेने के बाद उंगलियों के, उसके बाद आपने इसको इस तरह से दबा दबा के एक जान कर लेना है। इन केस आपको ये ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून या पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट बैटर बन चुका है। चलें जी, टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत से पैन में हम कुकिंग ऑयल लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको गर्म करेंगे। और जब गर्म हो जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये कि बहुत गर्म ऑयल के अंदर आपने इनको नहीं डालना, ये ना हो ऊपर से कि बिल्कुल जल जाए और बिल्कुल भी कलर वो डिज़ायर्ड ना आए। खूबसूरती बहुत अहम होती है स्नैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको पकाएंगे दोनों साइड से, और ये देखें पलटने का तरीका, इससे क्या होता है कि आपके हाथों पे ऑयल के छींटे नहीं पड़ते, ठीक है। तो ये तरीका आप देखें। अब दूसरी बात ये कि इस दौरान आपके हाथ हमेशा खुश्क होने चाहिए, चम्मच जो है बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, पानी नहीं लगा होना चाहिए, वरना ऑयल उछल सकता है। ये देखें, ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार रेडीमेड होममेड स्नैक्स तैयार हैं। इसी तरह की आलू की टिक्की के लिए, कोरमा के लिए, बिरयानी के लिए, केक रेसिपीज़ के लिए, ईजी एंड
क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए और लंच बॉक्स रेसिपीज़ के लिए, पुलाव के लिए, हर तरह की रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।